नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल करने के मामले पर बीजेपी नेता और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री के बीच विवाद और जुबानी जंग जारी है। इस बीच आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्री ने केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। महुआ मोइत्री ने कहा कि बीजेपी के पास इस बात का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महुआ मोइत्रा ने लिखा कि पहले बीजेपी ने कहा कि कैश फॉर वैक्सीन ये विफल हो गया क्योंकि फर्जी आरोप को साबित करने पर कोई ना कोई सबूत चाहिए होता है। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा और महुआ मोइत्रा का ये बयान अनुराग ठाकुर द्वारा टीएमसी सांसद पर तीखा हमला करने के बाद आया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसकी जाँच और उचित कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उनके खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में 2 नवंबर को एथिम्स कमेटी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि इससे पहले महुआ मोइत्रा ने 5 नवंबर तक का वक्त मांगा था। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे बदलने वाले सवाल का आरोप लगाया। उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जांच समिति की मांग की। उन्होंने सदन में तत्काल महुआ मोइत्रा को निलंबित कर आग्रह करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि संसद में प्रश्न पूछने के लिए महुआ मोइत्रा ने व्यवसायी दर्शन की हीरा नंदानी के रिश्वत ली थी। इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट में कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ संसदीय पोर्टल लॉगिन साझा करना सरकारी निकाय NIC के साथ करार का उल्लंघन है और यह सुरक्षा जोखिम भरा है। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह लगातार निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच लगातार जुबानी जंग तेज है। एक तरफ निशिकांत दुबे का यह कहना है कि वो संसद में पैसा लेकर सवाल पूछती है और एक तरफ मोइत्रा का कहना है कि ये फर्जी सवाल है और भारतीय जनता पार्टी ये फालतू के सवाल कर रही है और जबरदस्ती फंसाने का काम कर रही है। अब दर्शकों, देखना ही होगा जिस प्रकार से निशिकांत दुबे की जो कमेटी बनाई थी इस मुद्दे को लेकर वो अब एक बार फिर से उस पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। देखना अब ये भी होगा क्या महुआ मोइत्रा पर जो इस वक्त सवाल उठाए गए हैं, जो महुआ मोइत्रा के ऊपर जो सवालिया निशान है उन पर उनका और क्या प्रतिक्रिया आती है और इनके प्रतिक्रिया के बाद निशिकांत दुबे या भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की बड़ी प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।